अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। क्या आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के मरने के बाद भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं? सुनने में बड़ा अनरियल और साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये मेटावर्स की दुनिया में प्रैक्टिकल है। ये काम कैसे करता है, इससे पहले ना मैं आपको मेटावर्स का तारुफ करवा दूं। मेटावर्स का वर्ड ना दो लफ्जों को मिला के बनाया गया। मेटा वर्ड को ग्रीक से लिया गया जिसका मतलब है परे यानी बियॉन्ड, और वर्स यूनिवर्स से निकाला गया है। बाकी ये वर्स की थ्योरी आपने मूवीज में भी देखी होगी मल्टीवर्स के नाम से, जो मार्वल की बनाई हुई है। इस मेटावर्स का वर्ड सबसे पहले ना 1992 में यूज हुआ था। नील स्टीफन ने एक बुक लिखी थी साइंस फिक्शन स्नो क्रैश के नाम से, उसमें ये स्टोरी थी कि पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और एक बंदा ना अपने दिमाग में ना सारी दुनिया अपनी यानी ख्याली दुनिया बना लेता है और उसी में वो जिंदगी गुजारता है। उस नावल में ये वर्ड ना नेगेटिव तरीके से यूज किया क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ वो अपने ख्याल में बना रहा है। खैर, अब इस बात पे आते हैं काम कैसे करेगा। आप जैसे मिसाल के तौर पर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना आपको उसकी उस किस्म की एड दिखाने लग जाते हैं। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मेटावर्स में ना इसी तरीके से काम करेगी। आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि ग्लासेस आती थी जिसमें वीआर गेम्स होती थी कि इंसान उस गेम के अंदर चले जाता था। मेटावर्स भी तकरीबन यही चीज है। मेटावर्स भी ना तकरीबन उसी तरीके से काम करेगी। जब आप ग्लासेस पहनेंगे आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं वर्चुअल दुनिया के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी इंग्लिश क्लास है, सारे उस ग्लासेस के थ्रू उस क्लास के अंदर आएंगे, टीचर लेक्चर देगा और वहां से हम वापस आ जाएंगे। यानी टोटल सारा कुछ हम आपके कमरे में बैठ के होगा। अगर आपने बाहर के मुल्क भी जाना है ना तो आप कमरे में बैठ के एयरपोर्ट जाएंगे, जहाज पे बैठेंगे और वहां पे घूमेंगे। हर चीज, हर सड़क को इंटरनेट की दुनिया में बना दिया जाएगा। अब इस बात की तरफ आते हैं कि आप मरने के बाद कैसे दोस्त से मुलाकात कर सकते हैं। इसका सिंपल सा जवाब यह, जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी के मुताबिक आपको एड्स वगैरह देता है। ठीक उसी तरह मेटावर्स की दुनिया में आप जिस तरह जिंदगी गुजारेंगे, आप जिस तरह बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हर चीज कंप्यूटर के अंदर फीड होती जाएगी। मतलब ये बात कैसे करता है, इसका गुस्सा कैसा है, इसका आगे से ये क्या इसकी आदत है, सिगरेट पीता है, क्या करता है, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं, हर चीज नेट के अंदर फीड हो जाएगी। इन शॉर्ट, जब आप मर जाएंगे तो आपका सारा दिमाग उस मेटावर्स यूनिवर्स के अंदर क्रिएट हो चुका होगा और उसके बाद भी उसको लाइफ में लाया जा सकता है। खैर, मेटावर्स में जाने से पहले सारी बात है, हमें अपनी दुनिया ठीक करनी पड़ेगी। हमारे तो अपनी दुनिया की बाट लगी पड़ी है, मेटावर्स में क्या तबाही मचाएंगे। मैं सोच रहा था अगर पाकिस्तान में आ जाना मेटावर्स तो यहाँ भी पता चला जी गन पॉइंट पे आपसे सारे बिटकॉइन ले गए हैं, क्या इस तरह की हरकतें होने लग जानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही। खैर, अगली वीडियो में मैं इससे ज्यादा डिटेल में मेटावर्स पे बात करूंगा। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।